लड़कियों ने काफी दूर तक कब्जा कर लिया। मैंने आगे की 2 इंच से 3 से 4 3 नाल रूप से देखो, चौथी भी हमें लड़कियां ही दिख रही हैं। बाल लंबे लंबे लड़कों के तो नहीं। मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली से आया हूँ, उधर कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उधर बाल जो है ना, लड़के भी रख लेते हैं अपने ग्वालियर में, फिर भी ठीक है। कुछ दिनों हमें लगता है उधर ऐसा ना हो, सलवार अलवार सूट पहनने लगे रट्टा करते हैं। बेटे गेट बंद कर लेना, चालू करते हैं अपनी क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था और कितने क्वेश्चन करे थे, ये सारी पीपीटी आपके पास पहुंच गई होंगी है ना। और नहीं भी पहुंचे तो ये ध्यान रखना कि ऐप में मिला करेंगे कुछ दिनों बाद। देरी देरी में व्हाट्सएप पे नहीं डाल सकता। अभी मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे डाल दी कि आप बहुत सारे लोग ऐप पे ऐड नहीं है, तो जब ऐप पे ऐड हो जाएंगे तो आप, वैसे तो आप समझो कि डेली आपको लिखना है, ऑनलाइन की कोई सुविधा नहीं है ऐसा आप मान के चलें। डेली लिखना है, डेली आना है, डेली पढ़ना है ना। ये सारे काम आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस में करना है, ठीक। आगे बढ़ा जाए बच्चों, देखते कल हमने क्या क्या, कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जिनको जो पहली बार आ जाए हैं, इतने लोग हैं अभी, काफी लोग हैं। पहली बार आए, क्या नाम है तुम्हारा? बहिता। एयरफोर्स स्टेशन से? अच्छा, सब एक साथ हैं। कितने एयरफोर्स वाले? ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं, सब केवी टू से ही हैं? एयरफोर्स केवी फोर वाले कितने? केवी फोर, केवी फोर का कोई नहीं, सब मैं ही हूँ अकेला केवी फोर। हाँ मैं केवी फोर में पढ़ाता हूँ। पता नहीं तुमको, नई जॉब लगी है परसों। अब कितने केवी फोर के हैं? फिर भी कोई नहीं। सर ठीक, तो बात करते हैं कि कल हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में क्या क्या बताया था, उसको एक बार रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट यूज कहाँ होती है। तो मैंने बताया था कि जो कोई भी एक सिस्टमेटिक, जैसे आप बैठे हुए हैं, ये भी एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही है। कितनी रो है, कितने कॉलम है, अगर आप देखें तो बोले 1 2 3 रो है ना। और हर रो में, अब जैसे मैं इधर से कभी कभी बोलता हूँ किसी बच्ची का या बच्चे का नाम नहीं पता, तो मैं कहूँ इस साइड से थर्ड नंबर वाली या थर्ड नंबर वाला, तब है ना उनमें कहा अच्छा 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 ठीक है ये वाला, समझ में आ जाता है कि, या पीछे से लास्ट से थर्ड, इस तरह से। तो ऐसे ही किसी भी चीज को अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट करना और उनके प्रॉपर एड्रेस को पता करना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट है, और कल मैंने ये बताया था कि जब जब अरेंजमेंट, जो जो एलिमेंट, जो जो सामान बिग बाजार टाइप रखा जाता है, तो उनका एक प्रॉपर एड्रेस होता है, और उस एड्रेस के लिए इस तरह से बोला गया है रो वन और कॉलम वन। तो पहला एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है काय के लिए, वन वन का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड। अच्छा, पहले वाला जो है ना, पहले वाला हमेशा रो ही होता है, ये कंफर्म। फर्स्ट जो है वो रो ही होता है, वो कॉलम नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। और सेकेंड केस जो है ना, जैसे यहाँ 1 2 लिखा है तो कंफर्म है पहला रो सेकेंड कॉलम, 1 3 लिखा है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके जर्नल जर्नल जो एलिमेंट होता है उसे ए आई जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए आई जे। और इसका ऑर्डर क्या है, इसके लिए हम लगाते हैं m by n का ऑर्डर है। ऑर्डर इन द सेंस, ये पता चलता है कि कितनी रो है और कितने कॉलम है, इस बात का हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे अगर यहां पर ये आपके सामने जो लिखा हुआ है, ये इसमें कितनी रो कितने कॉलम है, तो इसमें 3 रो और 2 कॉलम नहीं है, 2 रो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि पहले रो और फिर, हाँ, सो पहले
अच्छा रो, फिर कॉलम, फिर कॉलम। तो पहला प्लेस हमेशा रो के लिए होता है, दूसरा प्लेस हमेशा कॉलम के लिए होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटी सी बात है। और ये एड्रेस थे जैसे 2-1 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो थर्ड नहीं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उस जगह पे क्या था 1, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1। कल ये अपन ने सारी बातें पढ़ी। फिर कितनी तरह की रो होती हैं, वो सॉरी मैट्रिक्स होती हैं। तो पहला क्या था, रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो था कॉलम 3 है, यहाँ एक रो है कॉलम 2 है, और सबसे नीचे वाली में यहाँ देखे रहो बातें मत करो, है ना, ठीक है ना। आज ही मैं नई शर्ट खरीद के लाया हूँ, देखते रहो। नहीं नहीं पहले देखी थी, पर क्या डेली नई खरीदनी पड़ेगी? अच्छा डेली नई शर्ट पहन के आए क्या? तुमने बोले के मंदिर पे मेरी जगह फिक्स कर ली कटोरा लेकर? बेटा इतनी महंगाई है, मैं जानता हूं मैं अपने पैंट फट जाते हैं, फिर मैं उनको सिलवा लेता हूँ, फिर पहन लेता हूँ, 2 साल कहता हूँ नए। एक बार तो मैंने इतना नीला और इतना लाल पहना, लोग बात बोले क्यों, मैंने कहा फैशन है। पता चला कि एक वाला ऊपर से फट गया था और एक वाला, तो दोनों को जोड़ के पहनना चालू। तुम लोग भी ऐसे करते हो? नहीं नहीं ये नहीं, तुम वो करते हो है ना, फुल पैंट है फट गया नीचे से तो हाफ कर लो जींस वाला है। ठीक है बेटे, शिक्षकों की हालत बहुत खराब है, 2 साल कोरोना में सबसे ज्यादा कौन परेशान रहा? बच्चे। कौन परेशान रहा? बच्चे परेशान रहे। कोई पैसे से परेशान रहा? पैसे का परेशान परेशान नहीं होता है ना। मैंने देखा कल हमारे 10th क्लास के बच्चे -3 -3 को जो कल है ना 9 बोल लेते और लड़ रहे थे इस बात पर। मैंने कहा था -9 है, बोले नहीं सर माइनस नहीं प्लस 9 है। बोले मैंने कहा कैसे, बोले माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। फिर मैंने एक और माइनस लगाया, यहाँ तो वो मान गए, यहाँ तो मान गए कि माइनस, यहाँ तो बिल्कुल नहीं माने। जब मैंने 12 कहा तो बोले सर नहीं माइनस माइनस प्लस होता है। फिर उन्हें आधे घंटे समझाया तो मैं समझ गया था कि उनके ऊपर कोरोना का असर है, मेरे समझ में आ गया था। फिर मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मारेंगे बाद में मारेंगे उनको तो, हाँ नहीं मारेंगे तो जरूर बेटे, बिना मारे कैसे, अब तो ऑफलाइन आने लगे, वो तो बिना मार का काम कहाँ चलता है, ऑनलाइन। तो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कितने भी हो। तो देखो इसमें रो कितनी है, 1 2 3 4, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। ऐसे ही यहाँ पर रो कितनी है, 3, लेकिन कॉलम एक ही है। बात आगे करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बाद में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट तो सही होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब अगर 1 2 है तो अगला 3 हो सकता है, अगला 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं। जबकि इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आती है, इसमें भी हालात बिल्कुल डायगोनल जैसे होते ही हैं, लेकिन इसमें एक है कि अगर एक बार 2 आया तो सारे एलिमेंट 2 ही होंगे, और अगर एक बार 1 -2 आई आ गया तो सारे एलिमेंट 1 -2 आई ही होंगे, ये फिक्स रहता है इसका। आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये भी एक पहचान है कि आई जे, अगर आई और जे बराबर नहीं है तो एलिमेंट 0 होगा। आई जे क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट होगा बताओ, 2-1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा। अगर इस तरह से रहा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ऐसा रहा, तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब बहुत सीधा सा रहा,
कि ये दो जो है वो बन से, और पहला प्लेस क्या ए का होता है, आई का दूसरा, तो इसका मतलब टू इज ग्रेटर देन, इट मींस दैट आई इज ग्रेटर देन जे। तो आई अगर जे के बड़ा है या फिर आई जे के बराबर नहीं है, ऐसे समझो आई जे के बराबर नहीं है, तो समझ लो कि यहाँ पर एलिमेंट हमेशा, और आई और जे अगर आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब वहां एक कांस्टेंट आएगा, और ऐसी हर स्थिति पे हर जगह पर आंसर सेम टू सेम रिपीट होगा। ये हुआ इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी सबकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट वन 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 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट सारे वन होते हैं, इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका आंसर, इसकी वैल्यू वन होती है ना मंजीत, क्या बात है, नींद आ रही है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, है? सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, और इसे ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, इसके लिए जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इवन 1/1 की भी हो सकती है, 1/2, 2/1 की, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर का ये होगा। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या कहा, ऊपर वाले एलिमेंट तो सब होते हैं लेकिन नीचे वाले 0 0 0 होते हैं, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके नीचे के एलिमेंट सही होते हैं, ऊपर के 0 होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये रहा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सारी चीजें बराबर होनी चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट बराबर हो, इसका ऑर्डर बराबर हो, इसके नंबर ऑफ रो जितने हैं उसी के दूसरे के नंबर ऑफ रो हो, और जितने के पहले नंबर ऑफ कॉलम है दूसरे के भी वही नंबर ऑफ कॉलम हो, कहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बातें समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं बातों के साथ साथ कल हमने ये क्वेश्चन किए थे और इनका ऑर्डर डिग्री बनाया था, आज पहले होमवर्क लिख लो सबसे शुरुआत में, है ना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कल बुक नहीं थी, आज मैंने ढूंढ ढांड के निकाल ली, आ गई ना मेरे पास। तुम लोगों ने एनसीईआरटी खरीद ली? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. देखो बेटे खरीद लेना, मार्केट का भाव ऊपर जाए या नीचे, एनसीईआरटी महंगी और सस्ती होने वाली, नहीं तुम सोच रहे हो कि अभी यूक्रेन का जब युद्ध खत्म होगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, उससे कागज सस्ता होगा और तुम्हारी एनसीईआरटी, हाँ ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। लिखो फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब 3.1 प्लस 3.2, ये पहले दो क्वेश्चन, 1 और 2 दो ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। इसके बाद बुकलेट, बुकलेट है आपके पास, कितने लोगों के पास है, अरे काफी लोगों के पास, तो बाकी लोग भी ले लें, यही मिलती है, योगेश सर आपको ये सुविधा देंगे, है ना। तो इसमें अपन को होमवर्क करना है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, इसमें ज्यादा नहीं देते हैं ना, 1 से लेके 5 तक करने हैं, 1 से लेके 5 तक करने हैं बुकलेट में। और अगर आपको बुकलेट ना मिले तो कल मुझे व्हाट्सएप पे लिख देना, क्या लिख देना कि मुझे बुकलेट भेज दो, है ना, तो मैं आपको हवा से हवा में मिसाइल डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन लोगों का, जो बच्चे आज नए आए हैं, जिनका अगर थोड़ा बहुत छूट भी गया है, तो वैसे तो ऐसा कुछ खास छूटा नहीं था, क्योंकि ये थ्योरी हम बताते रहे थे, और जो ये कल क्वेश्चन छूट गए थे उसी जैसे क्वेश्चन मैं अभी इसके आगे भी कराऊंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ रह गया है, कोई दिक्कत है, तो अभी ये पहला बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, एक और बैच स्टार्ट होगा, उसमें हम आपका जितना भी बचा हुआ है सारा का सारा कवर करा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले हम पढ़ेंगे तभी जब सेकेंड बैच स्टार्ट होगा,
कल से बोले पढ़ना बंद नहीं, सेकंड बैच में रिवीजन करना। तुम लोग टेंथ में पढ़े, अच्छा पढ़े कहाँ हो तुम लोग? तुम्हारी तो तीन चार जिंदगी निकल गई जब तुम पढ़े ही नहीं हो। टेंथ में दो दो बैच रहते थे हमारे में, हाँ तो इसमें भी आ जाओ उसमें भी आ जाओ, ट्वेल्थ में भी ऐसा ही करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो बीत गया वो गया, लेकिन इस बार अपना अच्छा निकले, रिजल्ट अच्छा आए, मजेदार रिजल्ट आए, आपको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे काफी खुशी होती है आपसे ज्यादा, और ये बताते हुए भी खुशी होती है कि यार हमारे यहाँ के बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, काफी अच्छा लगता है, खुशी होती है। आपको भी होती होगी सर, बगल वाले के अच्छे नंबर आए तो? नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। कुछ लोग तो ईमानदार हैं, कहते हैं नहीं होते, कुछ बेईमान हैं, वो ये कह रहे हैं होती है ना। तो नहीं नहीं, बगल वाले के नंबर अच्छे आए तो अच्छा नहीं लगता। और अब बाकायदा लिस्ट लगा करेगी बाहर, पहले तो व्हाट्सएप पे ही आता था, अब बाहर लिस्ट लगेगी, ये आए नंबर ध्यान रख लेना। तो पहला आज हम स्टार्ट करते हैं सीधा, होमवर्क लिख लिया सभी ने? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे ही क्वेश्चन होंगे, और कल मैंने बताया था कि इस पर क्वेश्चन आते जरूर है, बताया था। तो देखो ये लिखा सामने आपके, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते चले, सारा कुछ नोट करते चले। तो यहां पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके ऑर्डर सेम टू सेम हैं, ये इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर रहा होगा, इसका मतलब 2a plus b जो है वो 4 के बराबर रहा होगा, 2a plus b जो है वो 4 के बराबर रहा होगा, और ये वाला एलिमेंट a माइनस 2b जो है दैट इज इक्वल टू माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे वाले भी है ना, अगर सॉल्व करना चाहो इधर देखो, इसको अगर कंपेयर करते हैं इसको इससे, इसका मतलब इसका ये वाला इधर, मतलब इधर वाला कुन्ने वाला, तो इसके कुन्ने वाले के बराबर होगा, मतलब 5c माइनस b इज इक्वल टू 11। और ये जो लिखा ना ये क्या 4c plus 3d जो है that is equal to 24, that is equal to 24। इन दोनों को सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने पिछले जन्म में टेंथ में किया था, इस जन्म में टेंथ पढ़ा था। अच्छा हाँ, तुम लोगों ने टेंथ पढ़ा था, तुम ही वो लोग हो ना जो अपने आप पास हुए थे टेंथ में, तुम ही लोग हो ना पक्का? अच्छा, लेकिन शुरुआत में तो पढ़ा था ना आपने, एक आध पेपर हुआ था कि नहीं हुआ था? प्री बोर्ड तक सही चला था। अरे फिर तो पढ़े लिखे लोग हो यार, मैं सोच रहा था बिल्कुल ही मूर्ख लास्ट ईयर। अच्छा जो अब बच्चे टेंथ में हैं वो बिल्कुल, मतलब अब जो इलेवेंथ में आएगी उनने नहीं पढ़ा कुछ भी, तुम लोगों ने भी तो नहीं पढ़ा है। तुम स्कूल कहाँ गए थे? गए नहीं थे, टेंथ में गए थे? नहीं गए थे, पूरे साल तुम तो घर पे रहे। अच्छा तुम ही लोग हो, ध्यान देना ध्यान देना। अरे इधर ध्यान दो, 11 तो पढ़े हो ना, स्ट्रेट लाइन बहुत सारी थी। देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिनने नहीं पढ़ा इधर ध्यान दो, इसके आगे क्या लिखा है 2, अरे वाकई नहीं पढ़े हो, इसके आगे क्या लिखा है 2, तो 2 या ये के कोफिशिएंट 2 है, तो इसका कोफिशिएंट बराबर करना है, तो इसका मतलब नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 2 का अपन ने यहां कर दिया और यहां कर दिया, तो ये कितना हो गया 6, यही हो गया। इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस प्लस, ये कट हो गया, बी और फोर को कितना हो गया
फाइव पे, छह और चार कितना हो गया दस, तो बेटे b इज इक्वल टू कितना हो गया दो। अगर b की वैल्यू दो हुई, यहाँ पर रखो, b की वैल्यू अगर दो हुई तो अब यहाँ पे पुट करो, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और बेटे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैसे पता चला, इस 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। आगे बढ़ते हैं यहां सॉल्व करने के लिए। अब इसमें देखो, या तो ऊपर 4 का नीचे 5 का मल्टीप्लाई करो, या बेटर है कि ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जैसे ही ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई पहले 5 में करो, कितना हुआ बेटे 15c, फिर कितना हो जाएगा, और यहाँ 33। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, इन्हें ऐड कर दो, तो जैसे ही ऐड करोगे 15 और 4 प्लस और माइनस कट जाएगा। बहुत बढ़िया बात बताई आप लोगों ने, ये कितना हो जाएगा 67, कितने बार जाएगा, अच्छा 57, कितने बार जाएगा 3 बार, c की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ रखो c की वैल्यू यहाँ पर, तो ये 5 × 3 माइनस d इज इक्वल टू 11, तो 5 × 3 = 15, तो माइनस d इज इक्वल टू माइनस 4, देन d इज इक्वल टू, तो यही इन्होंने कहा था, एबीसीडी की वैल्यू निकालो, एबीसीडी की वैल्यू निकल के आ, समझ आ गया सभी को, कंफर्म समझ आ गया, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से नोट कर लो, कहीं कोई दिक्कत हो, जो बच्चे नए आए उनमें से किसी को दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई बात जो समझ में आई हो बेटे, सारा आ गया तुमको, आ गया तुमको, तुमको तुमको समझ आया, हाँ पाठक जी अब की बार पढ़ते रहना, अब की बार गड़बड़ की ना फिर क्या करेंगे, जेई गैलरी में, अच्छा पाठक नहीं हो, पाठक जी के रिश्तेदार हो क्या, गुर्जर हो, वो भी फिर सर नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, जो तो तंगी दे रहे खुले हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन लेकर फिर कुछ नहीं करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन की शकल देखो, और शकल देख के तुम ही बताओ जेड की वैल्यू कितनी है, 5, अरे वाह या तुम्हें ओ एबीसीडी नहीं आता तुमको, किसने तुम्हें यही नहीं पता जेड कहाँ है, डब्ल्यू को जेड मान लिया, कोरोना का असर है, क्या है जेड की वैल्यू कितनी है और ओमेगा की, ओमेगा बोले या डब्ल्यू बोले जो भी बोलना चाहो ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है 5, तो एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग निकालो, आराम से सॉल्व करो, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बेटे मार्च ही चल रहा है, अप्रैल में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ठीक है, फिर मई से डालेंगे अपन चौथा गियर, अच्छा हम फिर तुम्हारे पास आ गए, तुम तो लिख दो यहीं पे गुर्जर मेल जय शीतला मां, हो गया सभी का, चलो x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, यही है, तो इसे सॉल्व करना है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो इसको माइनस कर डालते हैं क्योंकि ये सेम साइन है, तो ये माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया x में से ये गया, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1, और अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यही आ रहा है सभी का, यही आंसर आया, कंफर्म यही आया, समझ आया, तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मोटा भाई ज्यादा तगड़ा है,
लिख गया हो तो मैं हटाऊ। हाँ क्या हुआ बच्चे? लिख गया क्वेश्चन, हटा दो। अब सॉल्व कर लो, x की वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ -3 है, z की वैल्यू भी बता सकता हूँ 2 है, बाकी मुझे आता नहीं। करो आप लोग, मैं हटा रहा हूँ इसको सब। चलो अभी जो छोटा छोटा दिख रहा था बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा चेंज किया। यही पार्ट टू था ना, ये कर लिया क्वेश्चन अपन ने, ये वाला ये हो गया, ये वाला था, दिखाई दे रहा है। चलो अब जो मैं लिखूंगा वो भी थोड़ा सा बड़ा दिखा। देखो पहला एलिमेंट जो है ना पहले के बराबर होगा, इसका मतलब x प्लस 3 जो है ना वो किसके बराबर रहा होगा, 0 के। तो बेटे x इक्वल टू कितना रहेगा, -3 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब दिखाई दे रहा है जो पीछे बच्चे बैठे हैं कि पहले भी दिखाई दे रहा था, पहले भी दिख रहा था, पर ठीक है। तो x इक्वल टू 3। अब देखो बेटे ये z प्लस 4 है, ये किसके बराबर रहा होगा, ये 2x के बराबर रहेगा, पक्का? तो बिल्कुल समझ लो ये पहले रो का सेकेंड कॉलम, यहाँ भी पहले रो का सेकेंड कॉलम, मतलब इसी के ही बराबर रहेगा। अगर इस ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर का है ना, तो ऊपर वाली लाइन में दूसरे नंबर का ही बराबर रहेगा। ये उधर जाएगा तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो है ना इसके बराबर ही रहेगा, मतलब फर्स्ट रो में थर्ड नंबर, फर्स्ट रो में। तो 2y-7 जो है वो 3y-2 के इक्वल रहा होगा। अच्छा तो ये इधर ले जाओ, मतलब इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3y है, ये 2y है, माइनस करोगे तो, और ये इधर लेके आओगे तो -7 ऑलरेडी है, +2 हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू -5। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखते हैं, अब नीचे की वैल्यू आती है। देखो x की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर भी अगर दिमाग लगाना चाहो तो कर सकते हो, आ चुकी है x की वैल्यू। वैसे इसको इसके बराबर करोगे तो ये 4x प्लस इसके बराबर होगा, इसका मतलब जब 4x इधर आएगा तो कितने का हो जाएगा, -2।
और माइनस टू का सिक्स में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट, इसका मतलब पहले वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब इस एलिमेंट को पकड़ते हैं, ये बिल्कुल मिडिल स्टेप है, मतलब इधर से भी चारों तरफ से, तो इसका भी बीच वाला ही आएगा। तो a माइनस वन जो है वो किसके बराबर रहा, तो बेटे a इज इक्वल टू माइनस टू के बराबर रहा, a इज इक्वल टू माइनस टू के। अब बेटे ये जीरो जो है वो किसके बराबर है, हाँ तो टू सी प्लस टू जो है वो किसके इक्वल है, तो टू सी किसके इक्वल है, तो सी किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है। समझ में आ गया होगा, बाकी बचे हुए भी कर लिए होंगे, कुछ बचा है क्या, बी 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 यहां से करो तो भी आ जाएगा, और यहां से करो तब भी एक ही आएगा, और आंसर होगा माइनस सेवन। सबका आ गया, अच्छा अब अगला क्वेश्चन ये रहा, बस इसी को इक्वल करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये रहेगा क्या, यहां एक्स वाई की नहीं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ध्यान देना। तो ये 2x प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3 के बराबर रहेगा। अब यहां पर देखना, ये 2x है ये x है, तो दोनों एक तरफ ले लो, ये इधर आएगा तो 2x में से x माइनस हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 होगा, तो ये बेटे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 रहेगा, x इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से अगर हम इसको बराबर करें ना, 5x is equal to 10 को बराबर करें, तब भी x की वैल्यू 2 ही आएगी, कैसे भी कर लो x की वैल्यू 2 ही आएगी, x is equal to। अच्छा अब वैल्यू किसकी निकालते हैं, y की, तो y की वैल्यू y square plus 1 is equal to 25, तो y square is equal, सॉरी ज्यादा कैलकुलेशन जल्दी हो रही है, एक तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं ना, तो मतलब दिमाग जो है ना वो कूद जाता है आगे। y is equal to कितना हो जाएगा, क्या इसके आंसर दोनों सही होंगे, हाँ इसके आंसर, इसको चेक करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दोनों आंसर यहाँ रख के देखें कि यहाँ और यहाँ 26 हर हालत में अगर आ रहा है बराबर, तो इसका मतलब दोनों आंसर सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप 5 रखोगे तो 25 प्लस 1, और माइनस 5 रखोगे तब भी होल स्क्वायर होने की वजह से 25 प्लस 1 हो जाएगा और बराबर आएगा, यही होगा, ठीक हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना, जो बर्ड प्रॉब्लम है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। कुल मिला के ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो तो एक सिचुएशन बेस्ड होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट जो हम सीख रहे हैं उसको कैसे, मतलब इस बात को डिटरमिनेंट में कैसे ले जाएं, सॉल्व तो उसके बाद होगी। तो इन्होंने नीचे लिख रखा है देखो, राइट 2x3 मैट्रिक्स समराइज्ड सेल डेटा फॉर अ जनवरी एंड 2 मंथ पीरियड फॉर ईच डीलर, हर डीलर का 2 महीने का हिसाब किताब आपको रखना है, ये बताया गया। सर बोर्ड नॉट विजुअल, कौन है घर से देख रहा है, घर से पढ़ने का नहीं है बेटे, यहीं आके पढ़ना है, समझ गई सलोनी सिंह, यहां आके देखोगे ना तो बोर्ड भी दिखेगा और सर भी दिखेंगे। अब लिख लिया आपने क्वेश्चन, नहीं लिखा, बुकलेट का नहीं है, नहीं नहीं बुकलेट का नहीं है,
हाँ यहाँ बुकलेट के क्वेश्चन अलग मिलेंगे, पीपीटी के अलग, एनसीईआरटी के अलग, ठीक है। इलेवेंथ में मोस्टली ऐसा करना पड़ता है, बुकलेट और वो एक ही रहे क्योंकि इलेवेंथ के बच्चे कम पढ़ते हैं ना। यहाँ तो पढ़ना ही है, यहाँ तो रास्ता अच्छा। इस बार ट्वेल्थ का जो है ना और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, पूछो क्यों, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके हिसाब से सारी यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जा रही है, और उस रैंकिंग के हिसाब से आपको अगर सड़े हुए कॉलेज में भी एडमिशन लेना है ना, तो भी आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बन रहा है, उस टेस्ट के थ्रू ही आपको जाना है। अब बात आता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बन रहा है, मैं जाना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा उसमें, टेस्ट में आएगा क्या? तो टेस्ट में वही आएगा जो आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे, वो आएगा उसमें। इसलिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो भी, खराब कॉलेज चाहिए तो भी, आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा जरूर जा रहा है कि ये बड़ी आसान है, इसमें बड़ा फायदा होगा। ये इसलिए लाई जा रही है कि इंडिया में भी बच्चे अच्छे लेवल का काम करें। अब देखो मैं ऐसे बनाता हूं, बनाऊ देखो तो मैं पढ़ता हूं। द सेल फिगर ऑफ टू कार डीलर ड्यूरिंग द जनवरी 2013 सोल्ड एंड डीलर ए सोल्ड 5 डीलक्स कार, 3 प्रीमियम एंड 5 स्टैंडर्ड कार, वाइल डीलर बी सोल्ड 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम एंड 3 स्टैंडर्ड कार। टोटल सेल ओवर द 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी क्या लिखा है, रिवेल्युएट होना चाहिए, अच्छा रिवील दैट द डीलर ए सोल्ड 8 डीलक्स, 7 प्रीमियर एंड 6 स्टैंडर्ड कार इन ईच द सेम 2 मंथ पीरियड डीलर बी। इस तरह की ये बहुत सारी थ्योरी दी गई, पता नहीं क्या लिखा है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। अच्छा इसको बनाना 2x3 की है, मतलब होने को तो 3x2 भी हो सकता है। अब देखो डीलर कितने दिए गए हैं, 2, और कार का वेरिएंट कितना दिया गया है, 3। तो इसका मतलब यहाँ डीलर ए और यहाँ डीलर बी, लिखने को तो हम यहाँ भी डीलर ए डीलर बी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ कार के 3 वेरिएंट हैं, तो 3 वेरिएंट को अपन ऐसे लिखेंगे। कौन कौन वेरिएंट थे बेटे, एक तो डीलक्स, फिर कौन सा है प्रीमियम, फिर कौन सा है स्टैंडर्ड, यही है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे इनके वेरिएंट लिखेंगे, और यहाँ डीलर, डीलर ए ने डीलक्स कार कितनी सोल्ड की, 5, बहुत बढ़िया, 3, ये 4। फिर डीलर बी ने इसी समय पर ऐसा क्या किया, 7 डीलक्स, 2 प्रीमियम और 3, बस ये काम करना था, एक पार्ट ऊपर वाले ही सॉल्व हुआ है ना। अभी ऐसे ही ये तो एक मैट्रिक्स निकली, ऐसे ही एक और मैट्रिक्स निकलेगी, आप लोग बनाओ जरा उसे। और बस इसमें केवल यही करना था कि 2x3, मतलब ऐसा नहीं लिख देना डीलर ए डीलर बी इधर, डीलक्स प्रीमियम स्टैंडर्ड इधर, नहीं, 2x3 का ऑर्डर केवल आपको समझ में आए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अगले पार्ट को आप लोग सॉल्व करो। आ जाओ चेक कर रहे हैं, लिखो बनाओ जल्दी से, बहुत आसान है, जैसे मैंने बनाया वैसे दूसरा वाला बना दो, उसमें भी प्रीमियम स्टैंडर्ड डीलक्स वही है, 3 कार, वहां 2 महीने का हिसाब किताब है, उधर का 1 का था, बनाओ क्या बना रहे, अच्छा पढ़ो, तुमने कहाँ किया, ये तो मेरा ही वाला है, अच्छा मेरा है, नहीं यार अरे सेम टू सेम लिखना है, ए बी डीलक्स प्रीमियम स्टैंडर्ड, और जो जो उन्होंने बताया उसे क्या करते जाना है, लिखते जाना है और कुछ नहीं करना। यहां पर बताओ द टोटल ओवर 2 मंथ पीरियड ऑफ जनवरी, ये कितना बताया गया, 8, ये अगले वाले में बी में बता दो, 10, 5, 7, बस कुछ
कुछ करना ही नहीं था। आगे बढ़े, चलो अब आती है कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे बचपन में आपने नंबर पढ़े थे, फिर उनका प्लस पढ़ा, माइनस पढ़ा, मल्टीप्लाई पढ़ा, डिवाइड पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा था। फिर आगे और आप एक्स वाई जेड आपने पढ़ा, मतलब एलजेब्रा आया। फिर आपने क्या किया, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर रेशनल नंबर आए, रूट थ्री, रूट टू, रूट फोर, उनको उनका प्लस पढ़ा। क्या पढ़ा उसका? प्लस पढ़ा। क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। निखिल ने भी पढ़ा। निखिल तुमने पढ़ा था रूट टू रूट थ्री का प्लस माइनस? बोल दो हाँ या ना। अरे ये बताओ रूट टू प्लस रूट थ्री का प्लस आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था तो बताओ कितना है। तुम बता रहा हो स्पेशलाइज होगा, पढ़ा तो था। कौन बताएगा इसका प्लस? मैं हट जाऊं तब बताओगी, ठीक है भाई? हट गया, तुम बताओ हिमांशु इनका प्लस बताओ। नहीं पता, बेइज्जती खराब हो जाएगी। रेशनलाइजेशन, मैं तो चेक कर रहा था। ये प्लस, ये क्या होता है, रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। पता नहीं कितनी लंबी है, कहां तक है, इनकी क्या क्या है, क्या अलग है क्या नहीं है, तो एग्जैक्ट इनका प्लस नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेट तो अपन लिख सकते हैं, रूट टू की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू जो हम जानते हैं उसके हिसाब से तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इन्हें प्लस नहीं किया जा सकता है ना हिमांशु। तो रैशनल नंबर का ना प्लस होता है ना माइनस होता है ना मल्टीप्लाई होता है। अब रैशनल हिमांशु ये बताओ कि रूट टू इंटू रूट थ्री क्या होगा? रूट सिक्स। प्लस होता नहीं, मल्टीप्लाई होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है क्या? पढ़े लिखे बच्चे, फिर ठीक है, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो फिर बस यही लिखना था और कुछ करना ही नहीं था इसमें। आगे आ गई इनकी प्रॉपर्टी, तो अब हम एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में पढ़ेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब पता है आपको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मतलब दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का प्लस, या तो पहले ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, रिजल्ट लेकिन इनका प्लस तभी पॉसिबल है अगर उनका ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो ही प्लस पॉसिबल है, अदरवाइज प्लस पॉसिबल नहीं। अच्छा मैं एक बात बता दूं, मन में जरूर ऐसा आता है बच्चों के कि थर्ड चैप्टर ही क्यों स्टार्ट किया। थर्ड चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया, ये बहुत आसान है पहली बात, दूसरा लंबा बड़ा है, तो चलेंगे किस किस सीक्वेंस से ये ध्यान रख लेना। अच्छा कौन कौन से चैप्टर ध्यान रखने वाले बात है, कौन कौन से चैप्टर ध्यान मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, जैसे चैप्टर मैं कैसे सीक्वेंस में चलूंगा, पहले मैं चर्च कराऊंगा चैप्टर, फिर फोर, और फिर मैं कराऊंगा वन टू थ्री, क्यों कराऊंगा, थ्री हो चुका है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, लेकिन दो चैप्टर बचे 12 और 13, इनको क्या बोला मैंने, इनको कहीं बीच में जब अपन को टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा मतलब ये सीक्वेंस चलेगा, इनकी इनकी सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लगा लगा के, जैसे इवनिंग में ये अपना ये चलता रहे तो मॉर्निंग में टाइम लगा के ये दो चैप्टर करा देंगे। क्यों? इसलिए कि ये चैप्टर जाएंगे सबसे लास्ट में, ये चैप्टर जाएंगे सबसे लास्ट में, फिर लास्ट में अमूमन होता ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं, और फिर वो चैप्टर में जबकि स्कोरिंग होने के बाद भी उनमें नंबर फिर कम आते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा
जो लास्ट के चैप्टर होते हैं वो बिल्कुल एग्जाम के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, और एग्जाम के करीब होने के बाद हम उसका बार बार रिवीजन नहीं कर पाते, जबकि जो पहले जैसे शुरुआत में जो जैसे ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ाई गई तो उसका कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ, लेकिन जो चैप्टर लास्ट में पढ़ाए गए वो रिपीट नहीं हुए। बताया ऐसा कि नहीं होता, इसलिए इन चैप्टर्स को मई या जून में ही मैं उठा लूंगा सुबह बैच लगा के, मतलब कहीं सुबह बैच लगाऊंगा जब आपकी छुट्टियां होंगी और उनमें इन दोनों चैप्टरों को अपन लपेट लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, इस तरह से करेंगे तो सीक्वेंस तो चलेगी, बस 3-4 चैप्टर में कराऊंगा, उसके बाद फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर वो सीधा सीधा चलेगा, है ना। ये सीक्वेंस में पढ़ाई होगी, बाकी आपके स्कूल में जैसा होता रहे उसे समझते रहना, और मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जब मैं 1-2 उठाऊंगा तभी वो जुलाई मतलब मई जून में ये 2 अभी खत्म हो जाएंगे 1.5 महीने में, तो अपन जून में ये स्टार्ट करते हैं, जून में, हाँ हाँ लगभग लास्ट में जून में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता, तो बस जुलाई आते आते इतना सिलेबस अपना क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और अमूमन होता ऐसा है जो सिलेबस कैसे खत्म होता है, 15 अगस्त को पहली बुक खत्म, 26 जनवरी को दूसरी बुक खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, और लेट किया जाए या और जल्दी किया जाए, जल्दी किया है, हैं? फिर पढ़ते नहीं है, अभी 12th वाले बच्चे हैं तो जिनका सिलेबस खत्म हो गया, ऐसे बावरे घूम रहे, आज ये देखो पीछे संस्कार बैठा हुआ था, है ना, कैसे पागल से हो गए ना वो, एक कह रहा सर आता मुझे सब है लेकिन एक भी सॉल्व नहीं कर पाता और मेरा मन भी नहीं करता कि अब रिविजन करूं, ऐसा हो जाता है, तो ज्यादा जल्दी नहीं पर ज्यादा जल्दी दिक्कत हो जाती है। ए प्लस बी और बी प्लस ए, और जो कहेंगे ना हम जब 1 दिसंबर में ही खत्म कर देंगे, किसी का खत्म नहीं होता, जनवरी में ही 26 जनवरी मैंने बता दिया उसी समय सही से सिलेबस खत्म होता है, ये सही टाइम है। ए प्लस बी और बी प्लस ए कैसे भी करो आंसर एक ही आएगा, बशर्ते कि बस इतना ध्यान रखना है कि ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर सेम टू सेम होगा, तभी 2 मैट्रिक्स का प्लस होगा और तभी 2 मैट्रिक्स का माइनस होगा, अदरवाइज ना प्लस होगा और ना माइनस, ठीक है। कॉम्पिटिटिव 3 मैट्रिक्स अगर हैं तो या तो पहले के लिए 2 का प्लस करके तीसरे का कर लो, या पहले लास्ट वालों का प्लस करके बाद का कर लो, इसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में सब पढ़ा था सेट में अपन ने ऐसे। इसके बाद नल मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ, हाँ किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स एक ही आएगा चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, माइनस करने का भी इन्होंने बताया है कि चाहे पहले माइनस कर दो रिजल्ट में ओ आता है, ओ मतलब किसी भी मैट्रिक्स को उसी के साथ अगर प्लस कर दो, उसी के नेगेटिव पार्ट के साथ प्लस कर दोगे तो रिजल्ट हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। और ये हाँ ये जरा देख लेना कि अगर ए प्लस बी, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, ए प्लस बी अगर ए प्लस सी लिखा हुआ है तो ए और ए कट जाएगा, बी प्लस सी सबको पता है ऐसे ही होता है, छोटी छोटी सी बातें हैं, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई बताया गया। मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर का मतलब ये है कि जैसे यहाँ बार 2 लिखा है 1, 3, 2, 4 लिखा हुआ है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एक कॉन्स्टेंट अमाउंट का इसके अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो बहुत छोटी सी बात है, जैसा ब्रैकेट के साथ करते थे, याद है ना ब्रैकेट के साथ क्या करते थे, जो ब्रैकेट के बाहर था उसका सभी के साथ मल्टीप्लाई होना है, ऐसे ही इसका सबके साथ होना है, तो क्या हो जाएगा जरा बता डालो, 2, 6, 2, 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
ऐसा आएगा, समझ गए। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई बड़े आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और ये आई वन, ये क्या है, आई रहेगा, ठीक है। माइनस के माइनस माइनस माइनस, ये ठीक है, सब कुछ जो कुछ है। पहले ही क्वेश्चन ये रहा,
चला जाए। इफ ए बी और ए प्लस बी निकालना है, बहुत आसानी सी बात है कि ए लिखा और क्या लिखा बी, तो ए के सारे एलिमेंट ऐसे ही लिख लो, 2, 3, -5 और ये हो जाएगा 1, 2, -1 1, 2, -1 और यहाँ ऐड करना है। तो देखो ऐड करते समय ये ध्यान अपन को रखना है, क्या ध्यान रखना है अपन को, क्या ध्यान रखना है अपन को, चेन का ऑर्डर चेंज ना हो, 2, 0, 5, 1, -2, 7 और 3 जब इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करना काफी आसान काम है, कुछ भी कठिन नहीं है, सीधा सीधा जो इसका पहला एलिमेंट है उसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो बताओ कितना ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया 2। ये 3 इस 5 के साथ होगा, 5 और 3, 8 होते हैं, फिर -5 -1 से ऐड होगा, -4 हो जाएगा, 1 -2 -1 2 7 9 हो जाएगा, और -1 और ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझ आ गया, बस इतनी सी बात थी और कुछ था यही हमारा आंसर। लेकिन अगर माइनस करना हुआ तब क्या करेंगे, माइनस अगर करना हुआ तब क्या करना पड़ेगा, तब प्लस करना पड़ेगा है? तो माइनस करना पड़ेगा, ये लिख लिया आप सभी ने, मैं हटा दूं इसको, चेक कर लूं आपके लिखा है, तो ये मैंने हटा दिया और यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, यहां पर ये आ गया माइनस साइन। अब माइनस साइन आने से क्या हुआ, 2 में से 0 माइनस करो है, 2 हो गया, फिर 3 में से, अच्छा माइनस करते समय अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे बचपन में तुम्हें याद हो कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा था और 2 + 3 तो बच्चे जब माइनस कर देते तो -2 + 3 कर देते थे, ऐसा धोखा हो जाता था, हुआ था तुम्हारे साथ कभी, कभी नहीं हुआ, सब विवेकानंद नहीं, हमारे साथ कभी नहीं हुआ, तो सारी मार पिटाई जो कुछ पड़ी थी सब भूल गए, ऐसा होता है, नहीं नहीं होता था, अब नहीं होता, तो अभी भी हो जाता, हाँ हो सकता। तो इस समस्या से बचने के लिए एक सबसे आसान काम कर लो कि पहले इस माइनस को प्लस कर लो और इन सबके साइन चेंज कर दो, तो उससे क्या होगा कि अब गलती नहीं होगी, एक ही बार में जो करना था वो अपन ने सीधा कर दिया, अब अपन को सीधा याद रहेगा कि ये माइनस है और ये प्लस, अब इन्हें प्लस करना है, तो 2 में से 0, 3 में से -5 कितना हो जाएगा -2, 5 में -1 ऐड कर रहे हैं, वन सबट्रैक्शन कर ही नहीं रहे, 1, 2, 2, 7, -1, -3, -4, तो देखो ये माइनस बहुत आसानी से और जल्दी आ गया पूछ करके, है ना। कभी कभी ये माइनस साइन अगर बाहर लगा होता है और अंदर हम माइनस करते हैं तो 2-3 टर्म तक तो याद रहता है, लास्ट में जाते जाते हम भूल जाते हैं और हमारे एक आध दो एलिमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, आपने इसका प्लस भी सीख लिया और इसका माइनस भी सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, यही प्लस और माइनस है, अब ये है, चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस करो आप लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस, सबको करना है, थ्री का मल्टीप्लाई कर लिए पहले,
अब तो देखने लगा होगा बड़े बड़े कर दिया, कर लिया आंसर आ गया। हो गया कृष्णा है, इस बार तुम्हारे नंबर कैसे आए? अच्छे आए स्कूल में ही, प्रॉमिस। कल एक पेरेंट्स का फोन आया कि सर आप मेरा बच्चा आपके यहाँ आठवीं पढ़ा, नौवीं पढ़ा, नहीं नहीं दसवीं नहीं, सातवीं पढ़ा, आठवीं पढ़ा, नौवीं पढ़ा, और सर उसके नंबर आए हैं 25। तो मैंने कहा नाम बताओ बच्चे का, सबन ने बताया, अगर गलत बात है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछना भूल गया कि कितने में से आए, और मेरे दिमाग में ये रहा कि 100 में से आए। हाँ केवी कल कल, हाँ कल ही रिजल्ट, कल परसों जब भी आया वो रिजल्ट, हाँ कल ही आया रिजल्ट। हाँ तो मैंने ये मैं भूल गया उससे पूछना कि क्या, और मुझे रात को नींद नहीं आया। 9 2 कर पढ़ाते हैं 25 नंबर, 100 में से 25 तो बात ही गलत है, मान लो ये तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे याद होना चाहिए बच्चे के बारे में कि अगर कोई इतने कम नंबर ला रहा होता, मतलब शुरुआत से ही हमारे यहाँ पढ़ रहा है, तो मेरी नजरों में तो, क्योंकि मैं सबके रिजल्ट देखता रहता हूँ क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं नजर में तो आना चाहिए था मेरे। मैं नीतू सर से कहा, मैंने कहा भाई इस बच्चे के साथ तुमने क्या किया, इसके नंबर इतने खतरनाक आए, खासकर छोटी क्लास में। बड़े में तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, जो करना है कर लो, तो वहां तो ठीक है, छोटी क्लास में तो मार पीट के पढ़ाया जा सकता है। तो सर बोले सर आपके पास ही फोन आ गया उनका। मैंने कहा बोले सर वो 40 में से नंबर है, और कुल मिला के उस बच्चे के नंबर जो है ना 75 है। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे एक घंटे सुनाया, तो मैं पता होता 75 है तो मैं ये कहता 9th में 75, 10th आते आते पक्का बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करो, अच्छा हुआ आपने बता दिया। लेकिन वो 25 सुन के ना मुझे सुबह तक याद रहा कि, और मेरे दिमाग में ये था कि 100 में से 25 फेल पाल हो गया। 75 के बाद अमूमन नहीं लोग फोन करते, बच्चे से ही कह देते हैं कि और पढ़ना और अच्छा करना, मतलब जब फेल वाल ही हो जाता है कुछ स्थिति ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है, तभी पेरेंट्स रात को 10 बजे 11 बजे फोन करते हैं। तो ऐसे हालात हो जाते हैं कभी कभी। मैं आते ही सुबह पहले मैंने पूरा उसका हिसाब किताब निकाला, छठवीं का निकालो, सातवीं का निकालो, क्या हिसाब था इसका, सर से बात की, मैं फिर ठीक है कितना तो चलता है, 75 मार्क्स चलते हैं ना, चलते हैं। तो अच्छा कुछ कहते हैं हमारे तो कभी नहीं आए बहुत बढ़िया है ये तो सर हाँ 11th में इतने आ जाते तो अपन सब में 75 75 आ जाते तो स्कूल टॉपर ही हो जाते। इधर देखो ध्यान से देखो, 3A 3A तो 3A का मतलब क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लो, करो 6 -3 9, क्या बात है, अच्छे तो होशियार है। अब अगले में -2B का करें या -2B का ही करें, -2B कर दो है ना, तो वो वाला जो माइनस वाला रट्टा था फिर नहीं रहेगा, -2 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बी है इसमें -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, -2 -8 -14, और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। अच्छा ये 3A है और ये 2B है, 3A और 2B, तो 3A 2B, तो बेटे इस, अब देखा जाए इनका केवल प्लस करना है क्योंकि माइनस वाला हिसाब हमने ऑलरेडी कर लिया, तो ये 6 में से -2 करो प्लस, कितना आंसर है 4, -3 -8 -11, फिर -9 -14 -5, 3 -4, यही आंसर है, यही आया आप सभी का। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, मेरा
अरे साइन थीटा आ गया, कोई बात नहीं डरो मत, सबका बनाएगा। अच्छा ये तो पढ़ी लिखी लड़की लगती है। आगे बढ़ा जाए, देखो ध्यान देना, ये बाहर लिखा है कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लाई है, तो ये मैंने बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर मतलब ब्रैकेट की तरह बिहेव करता है ऐसा होता नहीं, तो इसका सारे में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 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 सब में मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस का कॉस में करो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का साइन में करो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस का साइन में करो तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस का कॉस में करो तो बेटे कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ हुआ है या सब सही रहा, कुछ गड़बड़ है, स्क्वायर मैंने लिखा तो था लेकिन लिखा नहीं गया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सही देखा। यस, अब इस साइन के इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फिर इसका इसमें करो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ करो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इनका एडिशन है, पहले तो देखो क्या ऑर्डर सेम टू सेम है, बिल्कुल इनका ऑर्डर क्या है सेम टू सेम है। तो जरा बताओ इस पहले का इस पहले के साथ मल्टीप्लस किया जाए, क्योंकि प्लस है ना पहला एलिमेंट पहले के साथ, बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों और ये आंसर जीरो, ये पॉजिटिव, ये कॉस, ये साइन, ये क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसे आई, क्या लिखा जाता है आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये लिख लिया ना सभी ने, अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखो जल्दी से। अगला ये रहा, हो गया। देखो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान रखना, जैसे टेंथ में सॉल्व करते थे ना वैसे ही होगा, मतलब ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई, इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा होगा, नहीं दिख रहा होगा आपको, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो ये जो लिखा था वही, मतलब 7025 यही रहा। फिर वो रहा कैपिटल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ये हो गया। अब ध्यान देना, अगर हम इन्हें ऐड कर दें, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ऐड करने से क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा x। अब हमने यहां ऐड किया तो y गायब हो गया पूरा, और इक्वल टू साइन लगा के इधर की तो जो मैट्रिक्स हैं वो भी आपस में ऐड हो जाएंगी, तो जब वो ऐड हुई तो कैसे हुए 7 और 3 10, 0 0 ये वाला एलिमेंट इसके साथ
दो, ये वाला पांच, तीन के साथ आठ। और जैसा कि पुराना हिसाब किताब है, ये मल्टीप्लाई में दर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 10028 एंड रिजल्ट इज, इस दो का डिवाइड इसके सारे एलिमेंट के साथ होगा। पहले बेटे ऐसे करके मत बैठो, जो लोगों ने बैठ रखे हैं सही से बैठो। दो का डिवाइड करो कितना, पांच, जीरो, वन, फोर। ये रही वैल्यू एक्स की। अब कोई भी इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड, ये एक्स की पूरी डिटरमिनेंट यहां उठा के पुट कर दो, पहले में ही पुट कर दो। तो पहला क्या है, एक्स, एक्स की जगह क्या रखने जा रहे हैं, 5014 इसमें रख दिया अपन। बी बाई वाली ऐसे ही रहने दो, और इधर इज इक्वल टू क्या लिखा है, 72 7205। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना तुमसे भी ये गलती ना हो जाए, हो सकती नहीं ना हो जाए, 7205 यही हो गया। अब ये y is equal to जाएगा, y is equal to उधर ले जाओ, उधर पूरा पूरा का पूरा उधर ले जाओ, तो होगा क्या कि ये 7025 है और इधर जो है वो उधर जाएगा, काय का हो गया, तो 5014। या तो मैंने माइनस करने का तरीका, या मैंने तुम्हें बताया था इस माइनस को हटाओ और सभी के साथ माइनस लाओ, तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, जैसा आपको आसान पड़े आप वैसा कर लेना। आंसर फिर 0, फिर 1, फिर ये आंसर आ 2011, 2011 ये रहा, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलें, लिख लो आराम से। अगला क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ऐसे ही आपको करना है, ये रहा, मतलब जैसा इधर वाला था ना, इधर वाला उतना ही पार्ट है केवल, सॉल्व करो। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, तो पहले वाले को तो ऐसे ही लिख लो, 3 - 6 - 3 - 8, उधर वाले को ये जो है ना इधर जा रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 3 - 1 4। बस इस माइनस का माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना, हो गया। हाँ ये दो चैप्टर तो ये समझ लो कि एकदम घोंट के रख दो, आसान है बिल्कुल। क्या बात है बेटे, कर लिया, गलत किया, क्वेश्चन नहीं लिखते तो यही वाले क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बोर्ड में, सुन रहे हो, अभी रंगबाजी में रहोगे अभी। अच्छा क्या होता है, जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों को क्या लगता है, यही क्वेश्चन क्या करने, एकदम सड़े सड़ाए, और जब लास्ट में पहुंचते हैं कि नहीं क्या करना, ये तो आएंगे ही नहीं, है ना, लास्ट में अभी कठिन हो जाएंगे, अभी सारे क्वेश्चनों को बराबर वैल्यू दो, जो आसान है उनको भी और जो कठिन है। अच्छा वैसे देखा जाए बराबर वैल्यू इसलिए भी देना चाहिए, जो आसान है वो टाइम कम लेंगे और जो कठिन है ज्यादा टाइम लेंगे और ज्यादा नंबर देंगे, लेकिन टाइम भी ज्यादा लेते हैं, परेशानी तो करते ही करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छा ये कर लिया ना आप लोगों ने, पक्का, चलो तो ये करो, इसने नहीं किया था, नहीं कर पाए, हैं? कर नहीं पाया, कोई नहीं सुन रहा, तुमसे पूछ रहा, कर नहीं पाया या आ जाएंगे, आ जाएंगे, करो, देखो ये तीन में से ये दो क्या होगा माइनस, तो तीन लाइनें खींचो, दो में चार, तो कितनी बची थी, बता देना अगर कहीं। अच्छा किसी को भी अगर नहीं आए तो बाद में रुक के पूछ लेना, अगर कोई बात नहीं आती है
क्योंकि इसके बाद देखो तुम इतने भाग्यशाली लोग हो कि इसके बाद जो बैच आना है ना वो हो सकता है 1.5-2 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद, क्योंकि 10th वालों के ना एग्जाम होंगे ना वो पढ़ेगी और उनके एग्जाम का ही मई में एग्जाम है, क्लासेस जून में स्टार्ट होंगे। वो आ गया पिछला वाला प्रश्न तुमको भी, तुमको आ गया था पिछला, चलो बोल। हाँ देखते हैं, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन थे। हाँ तो ये था फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स बहुत रायता फैला हुआ है, एक काम कर लेते हैं इसका, इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रहेगा या 2x होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी लिखी होती है तो उसका उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में हाँ मल्टीप्लाई होता है। इसका इसमें करो कितना हो गया 3x, ये क्या हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, बोलो 8 2 जा 5 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8x, इस 2 का भी मल्टीप्लाई कर ही लो तो और सारे एलिमेंट में होगा तो ये हो जाएगा 2x2+8। क्यों? हाँ फिर 24 2 जा 10 2 जा 6 2 जा 12x, नॉन जीरो एलिमेंट इन्होंने बताए। तो कोई भी कर लो, जैसे ये 2x2+16=20, बेकार, तो जीरो ही आ रहा है, सब कुछ गायब ही हो रहा है। अच्छा ये 2x+10x किसके, हाँ ये कुछ अगर इनको ऐड कर लें, ऐड कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2x2+16, ये इसके साथ ऐड होगा 12x, ये इसके साथ ऐड होगा 3x+8, ये इसके साथ ऐड होगा x2+8x, हाँ 8x, और यहाँ हो जाएगा 2x2+, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12x, यही होगा। अब आगे देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू किसके बराबर है, किसके बराबर है ये वैल्यू, इसके बराबर है, और ये 12x किसके बराबर है 48, तो 12x = 48x = यही रहेगा। अच्छा और नॉन जीरो वैल्यू बताई थी तो एकदम सही है, इससे करके देखो जरा आंसर कितना आ रहा है 4, इससे करके देखो तो आंसर 0 आ रहा है, एक 0 भी आ रहा है। देखो मैं आपको इसके बराबर करता हूँ, ये रहा x2+8x, तुम्हारा 0 आया। अच्छा इधर ले जाओ तो x2=4x, तुमने क्या हुआ x से x काट दिया होगा, x = 4 आया होगा, तुम्हारा 0 आया ही नहीं बड़े आदमी। अरे जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है इस तरह से कोराम नहीं करते, इस तरह से काटापीटी नहीं करते, इस तरह से काटापीटी नहीं करते। इक्वेशन निकालने के लिए हर x की वैल्यू को बराबर सम्मान देना होता है। गड़बड़ी क्या हुई, इसको इसको काटना नहीं था, उधर ले जाओ x2-4x, तो इसमें से क्या कॉमन लिया x, तो क्या हो गया x-4। अब देखो x की एक वैल्यू 0 आ गई और एक वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू बोली थी, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं, समझ गए, ऐसे आएगा। हो गया सभी का, सबने नोट कर लिया।
कहीं कोई बात जो समझ में आई हो? कौन सी बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? करो नहीं नहीं ऐसे ही चेक कर रहा था क्या क्या होता है। हो गया 2a plus b plus x is equal to 0 where a and b is, देखते हैं क्या है a और b, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया नहीं हुआ पर हो गया, आराम से बैठने से थोड़ी होगा, कुछ ना किया करो तो वैल्यू तो रख लिया करो। जैसे ये लिखा है 2, फिर उसके साइड में क्या लिखा है a, a कितना है, a की वैल्यू इसे उठाओ और यहां पर पटक दो, तो ये कितना हो गया -1, 2, 3, 4। फिर लिखो b, प्लस लगाओ तो b की जो वैल्यू है कितनी है 3, -2, 1, 5। फिर लिखो x, तो x हमें फाइंड करनी है, ये तो होगी नहीं। और फिर लिखा है 0, 0 को क्या लिखा जाएगा, 0 नहीं लिखा है, नल मैट्रिक्स, तो वो कितने बाई कितने का होगा, 2 बाई 2 का होगा। कैसे पता चला 2 बाई 2 का ही होगा, क्योंकि जो ऑर्डर इसका होगा, जो ऑर्डर इसी का होगा, उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आएगा, और अगर आई लिखा होता तो भी 1 0 0 बनता ही आता, उसी हिसाब से ही आता। ये ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा ध्यान रखना नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, वही होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, इस 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कहते हैं कि मल्टीप्लाई अगर हम बाहर करें तो अंदर के सारे एलिमेंट में होना है, तो बताओ कितना आ जाएगा -2, फिर कितना होगा 4, फिर कितना होगा, फिर 8, फिर कितना होगा 3 - 2 - 1 - 5 + x = 4। इनका करो प्लस, बताओ ये 3 का इस 2 में प्लस होगा आंसर, वाह, इस -2 का 2 में 6 + 1 = 8 + 5 = 13 = 0। अच्छा x = ये देखो फालतू का काम है, फालतू का काम है, मतलब इधर वाला एलिमेंट इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, सारे नेगेटिव हो जाएंगे और कुछ नहीं होना, तो चाहे तो बाहर नेगेटिव ऐसा मोटा सा लगा लो ये वाला, और यहाँ पर 1, 2, 7, 13 लगा लो, रटका खत्म, ठीक है दीदी। ईसा खुशी, क्या नाम है, ईसा, समझ में आ गया ईसा, लिख लो पूरा, लिख गया 12th क्लास में हो, पता है तुम लोगों को, नहीं पता, सैगल कह रहा नहीं पता, तो सैगल बताऊं आपको, बताऊं भी नहीं, पता भी नहीं, जानना भी नहीं, मतलब कुल मिला के ये है सब बातों का मतलब कि मार दे दो आपको, हैं? 12th में आ गए हो सब लोग, शर्माना नहीं, अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ लेना। बैच का टाइम जानते हो कितना है, 3:30 से 7:30,
साढ़े पांच तक तो पढ़ाएंगे, साढ़े सात तक डाउट पूछ सकते हो, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे एनडीए कितने लोग देने जा रहे हैं अभी वाला, कितने लोग देने जा रहे हैं? यही वाला देने जा रहे हैं 10 अप्रैल वाला, मतलब सीधा मजाक सीधा मजाक करने जा रहे हैं। मैं इसलिए पूछा कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है परसों से, ठीक है, तो जो वाकई देने जा रहे हैं, देखो दो तरह से होते हैं तुम जानते हो, तुम जानते हो, एक केवल ये देखने जा रहे हैं कि पेपर कागज का ही आता है प्लास्टिक का, और कुछ देखने जा रहे हैं कि वहां और व्यवस्थाएं तो नहीं है, तो अगली बार से फिर हाँ उस उतने दिनों की प्लानिंग करके जाए। तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो रियली जा रहे हैं देने वो अपना नाम लिखा देना, तो जो मॉक टेस्ट होगा तो उसमें आप भी आ सकते हो, अगर आपको 12th आता है तो, कुछ लोगों को 12th आता है, पूरा नहीं आता तो आधा तो आता ही है। तीसरी बात एनडीए का 6 महीने वाला, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जो मुझे पता चला है शायद एज कुछ गिर गई कम हो गई है, पहले शायद 18.5 अब 18 हो गई है, या शायद 19 थी तो शायद 18.5 हो गई है, 19.5 थी ना, कुछ कम होने जा रही है, मैं बताऊं 6 महीने का कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगली बार नोटिफिकेशन में पता चलेगा। तो उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो 12th के साथ ही वाला दे पाएंगे, मतलब ड्रॉप के बाद नहीं दे पाएंगे, मतलब अगला सितंबर वाला दे पाओगे और फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद नहीं दे पाएंगे, तो मतलब चांस बहुत कम है। और ये सोचो कि नहीं बाद में ड्रॉप लेके देंगे तो बहुत लोगों को चांस नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो, वैसे भी ईमानदारी से भी बहुतों को चांस नहीं मिलेगा अगर डेट चेंज नहीं होती है। तो आपके पास ये मान के चलो कि दो ही हैं, एक ये वाला तो जिनने भरा नहीं तुमके लिए दो हैं, जिनने भर दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो 6 महीने में भी एक कोर्स कराने के लिए सुबह बैच चलेगा, जिसमें 6 मंथ में जो सिलेबस, तो आप लोगों ने 11th तो कर रखा है तो 11th वाला तो जल्दी जल्दी करा देंगे, 12th के वो चैप्टर हम पहले उठा लेंगे, कुछ हमने पढ़ाए भी थे, जैसे इन लोगों को पढ़ा दिया है, क्या पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन पढ़ा दिया था, और क्या पढ़ाया था, डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स वैट्रिक्स तो अभी भी पढ़ा देंगे, जो सेकेंड पार्ट है, मतलब आपके बुक में ऐसे चलते हैं, आपके बुक में जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13 पार्ट, ये पहली बुक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कब तक हो जाएगी, 15 अगस्त, इसका मतलब एनडीए में ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगी, मतलब इस बैच में ही हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपको जरूरत किसकी है, इनकी, ये 12 आता नहीं है तो भी कितने बचे ये, तो कुल मिला के इनको अच्छे से करने के लिए आप में से कुछ लोगों को ये पहले करना पड़ेगा, और पहले करना पड़ेगा तो एक अलग से बैच स्टार्ट कर, अलग से बैच करने का दो रास्ते हैं, या तो मॉर्निंग में बैच ले जाया जाए, या अभी इसी बैच से पहले लगभग 2.5 से 3.5 बैच रखा जाए, ये दो रास्ते हैं, हैं? ढाई वाला तुम तो स्कूल से कैसे भी नहीं आ पाओगे, अच्छा हाँ एयरफोर्स वाले तो आ जाएंगे, नहीं केवी वाले नहीं आ पाते, तो अरे सुन लो ये बात की बात है, पहले सुनो, अभी अभी नहीं कल से स्टार्ट करने वाले, तो आपको इसमें फिर आके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप दोनों सिलेबस, मतलब पहली बुक और दूसरी बुक बड़े आराम से क्या कर पाएंगे, जिनका लंबा विजन है उनका तो पक्का स्वयं अगली बार अप्रैल तक सिलेबस खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैच स्टार्ट कब से होगा ये भी तो बात आती है, तो 10 अप्रैल को तो अभी वही वाला है, कौन सा, अभी एनडीए वाला जो आ रहा है, इसके बाद 12 या 14 तारीख से बैच स्टार्ट, 12 अप्रैल या
14 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अभी फिलहाल नहीं होगा, तब तक माइंड मेकअप कर लो, ये सारी बातें हमने आपको बता दी, ठीक है ना। यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी जरूर करो, और एक हमें बैच मेंस का भी चलाना है, क्योंकि 11th से धोखा दे रहे हैं हम बच्चों से, कहा था 11th का कराएंगे कराएंगे कराएंगे, फिर जो अभी अभी बीच में टाइम भी था 10-12 दिन के लिए, तो कुछ मेरे घर में ऐसी इमरजेंसी लग गई कि मुझे बाहर जाना पड़ा, तो वो करा नहीं पाया, तो उसका भी मेरे पूरा ध्यान है, और उन बच्चों के लिए वो वाला भी बैच पक्का कराएंगे, पक्का स्टार्ट करेंगे P/2 मेंस के कराने। अब की बार तो मेंस हो ही नहीं रहा, कब से लेके अभी तक तो वैसे 4-4 एग्जाम हो जाते थे, इस बार अब आ रहा है बिल्कुल पहला एग्जाम, तो ये आपने कर लिया। तो जो बैच स्टार्ट होगा एनडीए का, वो 12 अप्रैल या 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि 10 अप्रैल वाला पूरा हो जाए उसकी अबा और देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मतलब वेटेज देख लें, उसको एनालाइज कर लें सही से, तो उसका अलग मजा आएगा। आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, मैं तो कर ही लेता हूँ कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, किससे कम उठ रहे हैं, क्वेश्चन की डेप्थ कितनी ज्यादा जा रही है, कितने आसान आसान आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें देख के एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाते हैं बाद में, तो 10 के बाद ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, हाँ ये कैसे किया जाएगा, कर लिया आप लोगों ने, मेरा भी करने का मन हो रहा है, करूं क्या, नहीं करूं फिर मेरा रिवीजन नहीं होगा, नहीं मैं तो पता सारा क्वेश्चन इसीलिए करता हूँ कि जिससे मुझे अगली साल भी पढ़ाना है ना, और इतना भी मैं पैसे वाला नहीं हूँ कि अगली साल का खर्चा चल जाए, अगले साल का खर्चा तभी चलेगा जब कल की मजदूरी मतलब अगले साल की मजदूरी करेंगे। देखते हैं बेटे यहाँ पर y is equal to, ये क्या लिखा है 2x plus y, y की वैल्यू बताओ कितनी है, यहीं पे पटक लो 3 2 1 4 is equal to, उधर चलो बताओ 1 0 minus 3 2, अच्छा ये 2x है, मैं सीधा माइनस कर दूं, इस 1 में से 3 गया, 0 में से 2 गया, और माइनस और माइनस 2, इस 2 का इसमें डिवाइड होगा, बच्चों आंसर कितना आएगा, बच्चों इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस, अगर आप कॉमन ले लें तो 1 1 2 1 भी लिखा जा सकता है, 1 1 2 1 भी लिखा जा सकता है, हो गया, आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत, अगला वाला ये तो हो ही गया, अगला वाला ये आपको करना है, बस फिर शायद खत्म ही है, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों 2a ये लिखा है 2a plus 3x is equal to 5b, ऐसा लिखा, तो 2 तो 2 रहने दो, a की जगह a वाली वैल्यू लिख लो 2 minus 2 4 2 minus 5 1, और 3x तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो b की जगह b की वैल्यू पटक लो, यहां से उठाओ और यहां पर पटक दो 3, 6, ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो जब इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, इस 2 का इसमें करो तो -10 2 हो जाएगा, और 3x ऐसा ही लिखा हुआ है, 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये 8 5 40 50 0 4 5 20, -10 5 3 15, और 5 6 30 हो जाएगा ये। अब ये 3x तो 3x ही रहने दो, ये सारा का सारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान देना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इस 40 में से इसका पहला एलिमेंट माइनस होगा, 40 में से 4 माइनस होगा तो 36, 0 में से -4 माइनस होगा तो
फोर, 20 में से 8 माइनस होगा तो 12, माइनस 10 और माइनस 4 माइनस 14, और कर लो 15 में से 10 25, 30 में से 2 माइनस होगा 28 हो गया। यहां तक आ गया सभी का। अब इस 3 का इस पूरे में क्या होगा, डिवाइड होगा। इस 3 का पूरे में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस 3 का अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 4 25 बाई, इसका कुछ हो नहीं सकता, 4 बाई 3 माइनस 14 बाई 3 और 28 बाई 3, यही आंसर है इसका, यही आंसर है पूरे का। आगे बढ़ा जाए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा नीला काला, पिछला किए देखो। चलो देखो यही है ना पिछला, तुमने देखा सॉल्व किया, कोई बात दिक्कत हुआ करे तो बोला करो ना। आंखों में चश्मा लगाया तो क्या मुंह में भी ढक्कन लगा है? तुम क्या कर रहे हो, तीन का डिवाइड, हाँ करो। ये तीन का इधर इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो इसमें इसमें इसमें, तो 25 का 3 में डिवाइड करो तो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं, तो क्या लिख दो 25 बाई 3, ओए हाँ 4 में करो तो बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही लिख दो, आंसर आ गया, हो गया। तुमने किया था पिछला, नहीं किया था, क्यों पहले क्या हुआ था तुमने, क्या हुआ 120 पिक्चर की बात, तुम्हारी बातें बहुत रोचक रहती है। तुम्हारा नाम क्या है, रोचक ही नाम है, कौन सी कौन सी पिक्चर की बातें कर रहे हैं, मैं भी देखूंगा पुष्पा आ रहा रहा, अच्छा नहीं आ गई है, आजकल वही चल रही है क्या, धड़ाधड़ 600 करोड़, 400 करोड़, ऐसा लग रहा है जैसे गिन रहे हो, ये 400 करोड़ 600 करोड़ आते कैसे हैं, तुम ही लोगों की वजह से तो आते हैं, हैं? फिर उन पे 400 करोड़ कैसे पहुंचते, अभी ऑनलाइन देख लेते हो, पॉकेट में मनी नहीं है, जैसे ही थोड़ा पैसा कमाओगे पापा को नहीं दोगे, किसे दे आओगे, RRR जैसे डायरेक्टरों को दे आओगे, पापा कहेंगे बेटा घर पे एक एसी लगवा लेते हैं, जरा पैसा भेजो, अरे पापा क्या बात करते हैं। अच्छा एक दिन में सुन रहा एक बच्चे से, उसकी मम्मी समझा रही बेटे अभी बहन की शादी करनी है तो ऐसे पिक्चर देखने जाते हो, अब वो क्या कह रहा है, अच्छा तो 150 रुपए में ही है ना बहन की शादी हो जाएगी क्या अलग अलग दलीलें 150 रुपए की टिकट में शादी हो रही पूरी।
चलो जी, हाँ फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी इफ, आगे बढ़ते हैं क्या होगा। तो देखो पहले इसे एक जैसा बना लिया जाए, तो पहले थ्री का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री टी, फिर इज इक्वल टू, यहां तो सब कुछ अच्छा है, कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, बाहर सीधा प्लस करना है। तो एक्स का मल्टीप्लाई फोर में, छह का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई में, हाँ हाँ मान लिया यार, काहे के लिए दम लिए लेते हैं, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई, फिर माइनस वन प्लस जेड प्लस टी, फिर टू टी प्लस थ्री, अब बराबर हो गए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ही चल रहा है कल से लेके आज तक, मतलब प्लस भी चल रहा है लेकिन अभी क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी पैरेलल चल रहा है। इन दोनों को बराबर करो, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इसको इधर लाओ, 2x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, यही हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे tt कर लेते हैं ना, ये देखो 3t इसे पहले अपन ने ले लिया, तो 3t इज इक्वल टू 2t प्लस 3, इसको इसमें से माइनस करो, t इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी कौन कौन बचे हैं लल्लू लाल, बाय और जेड आ जाएंगे अब तो लग रहा है, बाय बाय नहीं बाय बाय नहीं, 3 बाय इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस बाय, इधर ले जाओ तो ये पता नहीं क्या, इस बाय को इधर ले जाओ तो 2 बाई 6 6 8, x की वैल्यू ढूंढो कहीं से, 2 तो 6 और 2 8, 2 बाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब कौन बचा, z मुझे नहीं आता है, इसे आपको ही करना है, वाह क्या गलत आंसर, सही है, मैं तब तक नहीं मानता जब तक खुद सॉल्व नहीं कर लेता। अच्छा आप लोगों ने कर लिया, जेड की वैल्यू यहां से हो गई है ना, देखता हूं मैं सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं, नोट करने वाले नोट कर ले, नहीं बाद में कहेंगे हमने नोट नहीं कर पाया, ये तुम्हारी वजह से जेड की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, 3 जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जेड प्लस टी, इस जेड को इधर लाओ कितना हो जाएगा, 2 जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टी, तो 2 जेड इज इक्वल टू माइनस वन, टी की वैल्यू इज इक्वल टू 2 से 2 लपेट दिया, जेड इज इक्वल टू, यही तुम्हारा आ रहा है क्या, नोट कर लिया सभी ने, हाँ दीदी नोट कर लिया पक्का, चलो ये लास्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर इसके बाद क्या मल्टीप्लाई आ रहा, हाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ रहा। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी दिक्कत आती है, अभी मैं कह रहा था मैट्रिक्स बहुत आसान है, मैट्रिक्स बहुत आसान है, कल थोड़ी सी दिक्कत आएगी अगर ध्यान नहीं दोगे, और ध्यान दोगे तो एक लेक्चर अपन मल्टीप्लाई ही कराएंगे, सीख तो जाओगे ही जाओगे, कितना भी तुम्हारा दिमाग अच्छा हो या खराब हो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब सारे एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो ही जाएगा तो ये हो जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 4 बन 2, ये हो जाएगा 7 14 15 14, ये यहां 2x प्लस 3 करो तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 10 और 4 कर लो तो कितना हो जाएगा, बोलो 10 और प्लस 4
14, 14 और 1, 15, 2 by minus 6, 2, 2 by minus 4, is equal to 7, 14, 15, 14, बराबर करो, चलो, मैं 15 की वैल्यू निकालूंगा, नहीं नहीं, 15 की वैल्यू कितनी है, आ गई, और 14 की भी निकालूंगा, 14 है, तुम 2x plus 3 की वैल्यू बताओ मुझे. अच्छा 2x plus 3 की वैल्यू 7 है. हाँ 2x is equal to 4. x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 9. 18 हो जाएगा है ना, 14 plus 9 ऐसे करके हो गया. इसी के साथ सत्यनारायण सिंह कथा का सेकंड अध्याय समाप्त. ठीक है, होमवर्क मिल गया आप सभी को. और आप आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ के जरूर जाना. ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू. खुश रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो खूब व्यस्त रहो.